सिक्स क्लास कैसे हैं बेटा आप सब ऑफ सो आप सब ठीक होंगे तो हम कर रहे हैं जी चैप्टर जरात सनत ठीक है जी और हमने कल के लेक्चर में की थी इसकी बैक एक्सरसाइज ठीक है और मैंने आपको कहा था कि आपने इसके ये जुमले बनाने हैं ठीक है तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ठीक है जो यहाँ पे दिए गए हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट देखें बेटा साइंसी तरक्की की बदौलत पानी की आदम दस्याबी का मसला कैसे हल हुआ है तो साइंसी तरक्की की बदौलत पानी की दस्याबी का मसला ऐसे हल हुआ है कि आज कल नहरी निज़ाम ट्यूबवेल और कारेज वग़ैरह की वजह से ये मसला अब मसला नहीं रहा ठीक है जी ये हमने पीछे पढ़ा है ना तो हम इस तरह लिखेंगे इधर ये इसका जवाब होगा और दूसरा देखें किसी भी मुल्क की तरक्की का इसार किन दो शोबों पर होता है तो जी किन दो शोबों पर होता है ज़रात और सनत पर होता है ठीक है और वैसे भी हमारा मुल्क तो वैसे ही ज़रूरी मुल्क है एक ठीक है चले जी नेक्स्ट देखें बच्चे ज़रूरी फार्म की सैर क्यों करना चाहते थे बच्चे ज़रूरी फार्म की सैर इसलिए करना चाहते थे ताकि अमली तौर पर मशीनों को काम करते हुए देख सकें ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखें ज़रूरी शोबे में ट्रैक्टर की आमद से क्या तब्दीली आई है तो आप लिखेंगे पहले किसान बैलों की जोड़ी की मदद से खुद हल चलाया करते थे इस तरह दिन भर की मशक्क़्क़त के बाद वो बहुत थोड़ा काम कर पाते थे लेकिन अब ट्रैक्टर की बदौलत महीनों का काम दिनों में करने पर खाते हैं ठीक है जी बग़ैर मौसम की सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं बग़ैर मौसम की सब्जियां कीमियाई खाद पानी की फरहमी दर्जा हरारत को कंट्रोल करके और साइंसी आलात के इस्तेमाल की बदौलत अब हर मौसम में हर सब्ज़ी को उगाया जा सकता है ठीक है जी लास्ट देखें गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है हाँ जी जी गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है अभी हमने पिछले इधर ही पढ़ा है इसी पेज पे पढ़ा है जी तो आप लोग लिखेंगे ऐसे कि ट्रकों के ज़रिए जरिए फॉर्म से गन्ने को यहाँ लाया जाता है और उसे जदीद मशीनों में डाला जाता है जो बड़ी तेज़ी और सफाई से गन्ने का फूक और रस अलग अलग कर देती हैं इसको ठीक है जी फोक और रस को अलग अलग कर देती है रस को जदीद तरीन प्लांट के ज़रिए जो प्लांट लगाए जाते हैं ठीक है उनके ज़रिए चीनी में तब्दील कर दिया जाता है ठीक है जी तो गन्ने का जो रस होता है वो इस तरह चीनी में तब्दील हो जाता है ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स बेटा बेटा मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं ठीक है और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी का आंसर समझ ना आ रहा हो तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज कर लीजिएगा और आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये आज का आपका होमवर्क है बाकी रह जाएगा हमारा खुलासा तो इन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका ख़ुलासा करेंगे और इसकी सिलीस भी रह गई है ना तो इसकी सिलीस भी करेंगे ठीक है बेटा जी चलें जी ओके हाफिज़